जय हिंद। सनराइज ग्रिल एंड शेड्स में आपका फिर से स्वागत है। नवरात्रि पूरी हो गई है, आज मैं आपको मटन कीमा कबाब की रेसिपी बताने जा रही हूँ। जब तक मैं भी वॉक कर लेती हूँ, आप भी वॉक करके अपना सेहतमंद रहिए और हैवी सा खाना खाने के लिए तैयार रहिए। आज मैंने सुबह आपको बताया था कि आज मैं मटन कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मटन कबाब बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी रेसिपी जो भी मैं दिखा रही हूँ मेरी मदर की है, और उन्होंने 15-16 साल अलीगढ़ में और उसके आसपास बिताया है। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने पेरेंट्स से उन्होंने सीखा, उसके बाद उनका जो मुगलई टेस्ट है वो उनके हाथों में है। तो उसके बाद उनकी बड़ी डॉटर ने, मेरी दीदी ने सीखा है और थोड़ा बहुत मेरे में भी आया है। तो रेसिपी तो मैं पूरी मदर की ही बता रही हूँ। कोशिश करूँगी कि अच्छे तरह आपको रेसिपी बताऊँ ताकि आप टेस्टी कबाब बनाएं। मटन कबाब के लिए पहले हम एक छोटा अनियन लेंगे, थोड़ी सी 3-4 मिर्च, हरा धनिया, मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, गरम मसाला, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और ये धनिया जो कुटा हुआ धनिया है इसको मैंने पहले भून लिया था थोड़े तवे में, उसके बाद इसको दरदरा पीस लिया है, गरम मसाला, हरा धनिया, इसमें भुना चना बहुत टेस्टी लगता है, बाइंडिंग का भी काम करता है। मगर भुने चने को, चाहे आप ये, अगर आपके पास भुना चना नहीं है तो आप बेसन को भी थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं, उसको भून सकते हैं, या फिर एक छोटा सा पैकेट मार्केट में आता है जो कि भुना चने का होता है, जो हम ऐसे ही स्नैक्स के तौर पे खाते हैं, तो आप उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया है। मैंने खसखस पाउडर भी 1 चम्मच जो है पीसा है इसे। खसखस पाउडर बहुत अच्छा होता है, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, ये भी हम डालेंगे। कच्चा पपीता छिलके के समेत ही इसको कद्दूकस करेंगे। कभी भी आपको लगता है कि कोई नॉनवेज जो है वो गल नहीं रहा है तो आप छोटा टुकड़ा पपीते का डाल दीजिए तो आपका मटन आसानी से गल जाएगा। तो मैंने ये कद्दूकस किया हुआ है जो मैं कबाब में डालूंगी, और एक मैंने मीडियम साइज का अनियन लिया है, उसको अच्छे से फ्राई किया है, गोल्डन फ्राई करेंगे, और घी, एक मीडियम साइज का अनियन लेंगे और इसको बारीक करेंगे। ये मैंने लगभग आधा किची मटन लिया है, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, खसखस पाउडर 1 बड़ा चम्मच, चिली फ्लेक्स, आपको जितना मिर्च पसंद है आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं, ये मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है, गरम मसाला 1/2 चम्मच, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने एक साथ पीस दिया है, इसको आप 2 चम्मच लेंगे, जिसमें कि जिंजर थोड़ा कम है, गार्लिक ज़्यादा है, भुना हुआ जीरा, धनिया 1 टीस्पून, भुना हुआ चना मैंने पीस रखा है ये 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है, कद्दूकस किया हुआ पपीता, गोल्डन ब्राउन मैंने अनियन फ्राई किया है इसको डाला, फाइन चॉप्ड धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अनियन 1 बारीक कटा हुआ, नमक डालने से पहले इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1 चम्मच नींबू का रस डाला है, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मटन अच्छे से खुल जाए। कीमा चाहे मटन का हो या चिकन का हो, ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है थोड़ा सा कीमा गीलापन लिए हुए है तो 1 चम्मच और चना पाउडर मिक्स करते हैं। ये देखिए मैंने ये हंग कर लिया है जो कि छन्नी में अच्छे से इसका पानी निथार लिया है, इसको 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग अब इसको अच्छे से और मिक्स कर देंगे। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये
थोड़ा सा पतला हो गया या लूज है थोड़ा सा, तो आप इसमें चना पाउडर और भी मिक्स कर सकते हैं या फिर बेसन को भून के डाल सकते हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। 20 मिनट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ क्यों डाला, स्मोक देंगे थोड़ा सा। ये मैंने कोयला डाला है, गलौटी कबाब और सीख कबाब की तरह इसमें भी हम स्मोक देंगे। थोड़ा घी डालेंगे और ये दो लौंग इसको ढक देंगे। 5 से 7 मिनट तक स्मोक इसमें रहेगा ताकि हमें तंदूरी कबाब की तरह हमें टेस्ट मिले। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम गोल गोल कबाब बनाएंगे और फ्राई कर लेंगे। पहले हाथ में हम घी लगा लेंगे। आप इसको सीख कबाब की तरह भी शेप दे सकते हैं। ज़्यादा छोटा साइज भी नहीं करेंगे क्योंकि जब ये तलेगा तो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। पहले इसको तल लेंगे। 3 से 4 चम्मच में बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। इसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। एक एक करके हम इसमें कबाब डाल देंगे। एक मिनट तक हम इसको फुल फ्लेम में रखेंगे, फ्लेम को सिम कर देंगे। साइड में गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको पलटा देंगे। फ्लेम को सिम में ही रखा है मैंने और इसे ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। ऑयल ठंडा हो गया है, थोड़ा सा तेज फ्लेम करेंगे। कैसे 7 मिनट मैंने इसको सिम में किया था और बनके तैयार हो गए हमारी कबाब। इसको निकाल देंगे। ये लीजिए, गर्मा गर्म कबाब तैयार है। काफी जूसी बना हुआ है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। सबकी मदर जो है बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है तो मुझे आज बहुत खुशी है कि मैंने अपनी मदर की रेसिपी आपके सामने शेयर करी है। तो मैं भी चाहूंगी कि आपकी मदर का कोई भी रेसिपी जरूर शेयर करिए और YouTube में डाल दीजिए और अपने मदर को सरप्राइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।